इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट फाइनली आ चुका है गाइस, और इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, हमारे पास आया है हमारा न्यू हाउस, और अब आप इसी हाउस में स्पॉन होंगे गाइस। जब भी आप गेम चालू करोगे तो आप इसी न्यू घर में स्पॉन होंगे। अब आप अपने ओल्ड घर को भूल जाओ, और ये घर ओल्ड घर से भाई बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है, और इसमें खुद का स्विमिंग पूल भी है गाइस, जिसमें आप तैर भी सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बाद में तैर के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको अपना जो घर है वो बाहर के व्यू से दिखा रहा हूं, और इसकी जो लोकेशन है गाइस, वो हमारा जो न्यू हाउस बना था ना बीच में एक न्यू बिल्डिंग में, वो ही है। उसको बस रिप्लेस कर दिया गया है उस पूरी बिल्डिंग को, और ये रिप्लेस करके बन चुका है हमारा न्यू हाउस। अब ये जो न्यू हाउस है ये बहुत बड़ा है, ये 2 फ्लोर का है, इसको देखेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले गाइस, आप देख सकते हो हमारे घर के बाहर फॉर्च्यूनर, क्योंकि अब आपको मिलेगी कार अपने घर के बाहर। पहले हमें बाइक मिलती थी अभी तक, लेकिन अब गाइस आप फाइनली अमीर हो चुके हो, तो इसलिए आपके लिए आई है कार, और साथ ही में अब आप अपने स्विमिंग पूल में भी तैर सकते हो, जो कि हमारे ओल्ड घर में हम लोग नहीं तैर सकते थे। और अगर आप पानी को भी ध्यान से देखो ना, तो ये भी पूरा चेंज हो गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही हमारे घर के अंदर एक डस्टबिन भी है, और बहुत सारे पेड़ भी हमारे घर के अंदर ही उगा रखे हैं। अब लेके चलता हूँ मैं आपको घर के अंदर। तो घर के बाहर गाइस आप देख सकते हो थोड़ा सा एक कारपेट टाइप लगा हुआ है घास का, उसके बाद हम चढ़ेंगे ऊपर, और ऊपर जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारे हॉल में यहाँ पे बहुत सारे सोफे रखे हैं, नीचे कप्स रखे हैं भाई, प्लांट्स रखे हैं, 2 लैंप रखे हैं, एक रेड एक ब्लू, बहुत सारी पेंटिंग्स है, और हमारे जो दरवाज़ा है वो भी कांच का बनाया गाइस। फिर इधर एक टाइगर पेंटिंग, ये हमारी स्टेयर्स, ये हमारा फ़ैन जो कि चालू भी हो जाता है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिर टीवी, यहाँ पे कंप्यूटर। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में। टॉप फ्लोर में तो आप सबको पता ही है कि क्या आने वाला था, वो था हमारा गाइस न्यू जिम। तो जिम जो है वो 2 कमरे में है, और कुछ नहीं ऊपर सिर्फ जिम है, लेकिन जिम के भाई सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं इधर। एक एक डंबल आपको देखो देखने को मिल रहा है, सारी बेंच रखी हैं जिस पे लेट के हम बेंच प्रेस मारते हैं, यहाँ पे डंबल रैक भी है, और ये बेंच भी है, बैठने के लिए भी टेबल लगाई रखी है गाइस। और सबसे मेन तो भाई ये मैंने देखा, यहाँ पे एक कर्व वाली बारबेल भी है गाइस, जो लंबी वाली देख रहे हो आप, मुड़ी वाली। और इधर देखो कैसी अलग अलग साइज की डंबल रखी है भाई, अलग अलग वेरिएशन वाली। तो मतलब इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, पक्का रोहित गेमिंग स्टूडियो ना जिम जाते हैं तभी उनको इतनी डिटेल मालूम है। इधर आप देख सकते हो ये शू रैक बोल सकते हैं, या फिर कुछ सामान रखने का। इधर अलग अलग बेंचेस है, और इधर हमारी ट्रेडमिल रखी हुई है भाई, और ये साइकिल वाली मशीन भी है, सारी मशीन का इस जिम की सारी मशीन रखी हुई है। इधर हमारा टीवी और कंप्यूटर है ना, ये भाई चालू कैसे होगा अभी तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आके देखते हैं क्या ये चालू भी हो सकता है कि नहीं। और साथ में एक डस्टबिन भी रखा है जो कि हमने अभी देखा। ये हमारे घर के पीछे का व्यू गाइस, पीछे से भी घर पे थोड़ा स्पेस है, लेकिन उस पर कुछ है नहीं, बस खाली जगह है। फिर आते हैं हम लोग बाहर, और बाहर आपको सबसे पहली चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, हमारे न्यू ग्राफिक्स गाइस। आप रोड पे ध्यान से देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, ये वाला रोड ब्राउन वाला भी, और बगल में जो पेमेंट है ये वाला भी। फिर आते हैं हम लोग एयरपोर्ट के पास, और इसका भी पूरा पेमेंट आप देख लो भाई, पूरा चेंज लग रहा है क्योंकि ग्राफिक्स अच्छे हो गए। फिर आगे जो हमारी पार्किंग वाली बिल्डिंग है, इस पर भी आप देख सकते हो कि अब रेलिंग लग चुकी है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है गाइस ग्राफिक्स के मामले में। फिर ये जो रनवे है गाइस, इस पर भी आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है ग्राफिक्स में। हमारा ओल्ड हाउस है कि हटा दिया है भाई, मेरे को तो ये देखना है। अच्छा है, ओल्ड हाउस है गाइस, लेकिन यार अब ये हमारा हाउस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक नहीं खड़ी है। बाइक नहीं खड़ी है मतलब अब ये हमारा घर है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ग्राफिक्स इंप्रूव हुए गाइस। स्विमिंग पूल में आप देख सकते हो तैर अभी भी नहीं सकते, लेकिन भाई ये ब्रिक जैसा क्यों दिख रहा है, ज़्यादा ग्राफिक्स इंप्रूव कर दिए लग रहा है। साइड की पेमेंट में भी थोड़ा बढ़िया लग रहा है, घर वैसे का वैसा ही है पहले जैसा, पंखा अभी भी चल रहा है चाहे कोई रहे या नहीं रहे, बस बाइक यार वो हटा दी गई है, घर पूरा सेम अंदर से। यहाँ की जगह भी आपको काफ़ी अलग लग रही होगी, क्योंकि रोड जो है वो ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, और इधर एक बोर्ड भी लगा दिया है, ये बोर्ड पहले था कि नहीं, ये साइन बोर्ड शायद से मुझे अभी दिख रहा है या फिर मैंने अभी नोटिस किया है इसको। ये वाली बिल्डिंग देख रहे हो गाइस, ये पहले अलग लगती थी क्या, या तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूव कर दिया गया हो। और ये है हमारा पेट्रोल पंप, जिसके भी मुझे लगता है ये देखो फ्लोरिंग में ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अरे भाई ये देखो, ये हमारा पानी का इस फन ट्रैक के बगल वाला, क्या पानी लग रहा है यार, ये तो पूरा रियलिस्टिक बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया इसको।
फिर चलते हैं हमारे रेलवे स्टेशन पे। ये ट्रेन अलग लग रही है क्या आगे से? नहीं नहीं, ट्रेन ऐसी लग रही है, इसके नीचे का हिस्सा बस थोड़ा अलग लग रहा था, जिससे कि हमें लगा कि चेंज हो गई हो। इस पे भी हम लोग कभी बाद में आएंगे। हमारे डायनासोर को भी देख लेते हैं भाई, इसमें कुछ चेंज आया है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। फिर ये हमारा विलेज एरिया गाइस, जहाँ पे हमारे छोटे वाले घर हैं, और इनमें भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। कार शोरूम के पास चलते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग लग रही है फ्लोरिंग, लेकिन अंदर की जो गाड़ियाँ हैं ये मुझे सारी पहले वाली लग रही है। हाँ, सारी सेम है और अंदर से भी पूरा सेम ही है। और ये हमारा बीच यानी कि समंदर एरिया गाइस, और इसका पानी आप देख सकते हो, क्योंकि पानी पूरा चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप पास जाओगे ना तो ये देखो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा। अच्छा, नीचे से पूरा काला कर दिया है, लेकिन ऊपर से तो गाइस पूरा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा है। अब कुछ न्यू फीचर्स दिखाता हूँ गाइस। तो RGS टूल तो आपको मालूम ही है, इसमें अगर आप लिखते हो हाउस कलर RGB और स्पेलिंग देख लो कलर की COLOR स्पेस RGB, तो आपका जो हाउस है वो RGB कलर का हो जाएगा गाइस, मतलब पूरा RGB। और इसको आप अलग अलग कलर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने इसको RGB कर दिया है। और जैसे आप इसको RGB करते हो भाई, अंदर आप आते हो ना तो आपका पूरा घर कांच का बन जाता है गाइस। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा घर, ये देखो कांच का बन गया यार, कैसे, मतलब दीवार हट गई और पूरा कांच का बन गया है। फिर घर का जो पंखा है ना गाइस, इसको भी आप चालू कर सकते हो। RGS टूल में आपको लिखना है गाइस फैन ऑन स्पेस ऑन लिख देना, और ये देखो पंखा जो है वो भाई चालू हो जाएगा घर का। और ऐसे ही आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। गेम में और भी चीज़ें आई हैं, जैसे कि जेट पैक, मिनी जेट पैक, और भाई हमारी बोलेरो, फायर ट्रक, लेकिन इन सब का चीट कोड अभी तक पता चला नहीं है। लेकिन एक चीट कोड मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, वो है हमारे फायर ट्रक का। न्यू फायर ट्रक का चीट कोड है गाइस 606। हमारा जो पुराना वाला फायर ट्रक था ना वो हटा दिया गया है, और एक न्यू फायर इंजन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है फायर ट्रक, और ये पूरा रियल लगता है गाइस। जैसे हमारा पहला वाला था वो पानी वाला था, ये पानी वाला नहीं रहता, ये अलग रहता है गाइस, ठीक है। और ये आप पूरा गोल गोल देख लो भाई, पूरे सारे फीचर्स बनाए गए इसमें, सीढ़ी तक बनाई गई है, लेकिन अभी हमें पता नहीं इसमें चढ़ सकते हैं कि नहीं, ये हम किसी और मिथ वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और पीछे इसके कुछ लिखा भी है, कीप बैक हेड फीट, कीप बैक लेग फीड, पता नहीं कुछ ऐसा लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, फायर ज़रूर लिखा है वो दिख रहा है। फिर आगे चलते गए इस बैठ के चला के देखते हैं इसको। ये रहा हमारा एंटर का ऑप्शन, ये बैठ गए हम लोग भाई फायर ट्रक में, चलते हैं भागे, ठीक है। इसकी जो आवाज़ है ये तो बाइक जैसी आ रही है, और चल भी काफ़ी खतरनाक रही गई, और बहुत ज़्यादा बड़ी है यार। कार्स देखो कितनी छोटी लग रही है इसके सामने, सारी कार्स, किसी पे हम चढ़ा भी देंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ऊपर आप देख सकते हो एक सीढ़ी लगी है लंबी सी। और हमारा घर तो भाई दूर से ही चमक रहा है RGB, ये RGB में करके आया था, ये देखो अभी तक चमक रहा है। तो गाइस जैसे ही हमें बाकी सारी चीट कोड्स अगली पता चलती है ना, मैं वीडियो ज़रूर डाल दूंगा, इसलिए भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि वो वीडियो मिस नहीं हो जाए, बहुत जल्दी आएगी वो चीट कोड्स वाली वीडियो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट कर देना नीचे अपने अपने इस न्यू अपडेट के मिथ्स गाइस, ताकि हम उनको लेंगे हमारी अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।